एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सूप्स। ठंड का मौसम है तो वेजिटेबल सूप्स ठंड में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या सामान चाहिए और किस प्रकार से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेजिटेबल सूप्स के लिए आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो घर पर, आप उन चीज़ों के साथ सूप बना सकते हैं। तो हमारे पास है ब्रोकली, एक हरा शिमला मिर्च, टमाटर, थोड़े से फ्रेंच बीन्स लिए हैं और कुछ मटर के दाने, एक गाजर लिया है, हरी मिर्च ली है हमने और साथ में लिया है प्याज। तो इन सब चीज़ों को पहले हम काट लेते हैं और इनके जो साइडों के वेस्टेज होते हैं उनको हमने फेंका नहीं है, उनका हमने ये हमने स्टॉक बनाने के लिए रख लिया है। ये ब्रोकली का डंठल है, कुछ ये धनिया का डंठल है और ये गाजर और ये बीन्स के। तो इन सभी चीज़ों को हम पहले बारीक काट लेते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हमने धो लिया था काटने से पहले, तो हम इनको ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, इस प्रकार मोटा मोटा काट लेंगे। दोस्तों, हमने अदरक और लहसुन को कूट लेना है स्टॉक बनाने के लिए। स्टॉक के लिए हमने सारे सब्जी के डंठल्स वगैरह जो है वेस्टेज हमने काट लिए हैं। ये हरा धनिया का डंठल है, हमने पत्ता नहीं यूज़ किया है, अदरक लहसुन का कूटा हुआ। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं स्टॉक के लिए। हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्च के दाने, साथ में डालेंगे तेज पत्ते और अपनी सब्जी डाल के। दोस्तों, सब्जी को हम ज़्यादा भूनेंगे नहीं, बस इसका एक कच्चापन निकल जाए। तो ये रेडी है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। हम यहाँ पे एक लीटर पानी यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, जब तक स्टॉक रेडी होता है तब तक हम अपनी सब्जी को काट लेते हैं। हमने यहाँ पे एक लीटर पानी का यूज़ किया है, 700 से 800 ग्राम पानी जब रह जाएगा तब हम इसे उतार लेंगे। तो चलिए सब्जी काट लेते हैं। सभी सब्जियों को हम बारीक करके काट लेंगे। सबसे पहले हम ब्रोकली को इस प्रकार छोटा छोटा, आप अगर आपके पास ब्रोकली ना हो तो आप फूलगोभी वगैरह से भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर स्टॉक में आपको इस प्रकार से झाग आए तो आप इन झाग को अलग अलग निकाल लेना। ये दोस्तों, हमारा स्टॉक रेडी हो गया है देखिए, और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे पानी को छान लीजिए। कढ़ाई को गर्म करके एक चम्मच तेल डाल लेंगे। सबसे पहले हम लहसुन को, साथ में हम अदरक भी डाल लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए, इतना ही भूनेंगे हम। ना हल्का प्याज को भी भून लेंगे। बीन्स, ब्रोकली, टमाटर हम बाद में डालेंगे। दोस्तों, सब्जी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा क्रंच रखते हैं। दोस्तों, इसी टाइम हम अपना टमाटर और जो हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे। दोस्तों, हमने मटर भी डाल देना है इसमें। दोस्तों, नमक डालेंगे अपना स्वाद अनुसार। अब हम अपना स्टॉक भी डाल देंगे इसमें। दोस्तों, इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे जब तक कि अब ये इसमें उबाल ना आ जाए। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे।
एक चौथाई चम्मच डाल रहे हैं काला मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाल रहे हैं काला नमक, एक चम्मच डालेंगे हम सोया सॉस। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, सोया सॉस से एक बहुत बढ़िया कलर आता है। दोस्तों सूप को गाढ़ा करने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं दो चम्मच कॉर्न स्टार्च। दोस्तों जब भी आप एरारोट डालें थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि एरारोट जो है एकदम से नीचे बैठ जाता है, तो इसको चलाते रहें। कॉर्न स्टार्च से सूप को एक बढ़िया सा गाढ़ा टेक्सचर मिलता है, तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते रहिए जितना आपको आवश्यकता लगे, एक साथ कभी भी ऐड ना करें। एक चम्मच दोस्तों ये विनेगर है। सूप हमारा रेडी है, अब इसमें हम डाल लेंगे रॉक किया हुआ धनिया पत्ता। तो हमारा सूप रेडी है, बहुत ही बढ़िया कलर भी आया है और बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अब हम इसे एक बार निकाल लेते हैं। दोस्तों इसमें हम डालेंगे ऊपर से कटे हुए बारीक प्याज। अब इसे हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ठंड में गर्मी का एहसास दिला रहा है ये सूप, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है सभी मसालों का। आप भी घर में जरूर ट्राई करें, बहुत ही इजी है, सब्जियों से भरा हुआ है, मिनरल्स भरे हुए हैं और बहुत ही हेल्दी है। अब हम सूप ना एंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।